लॉ एंड ऑर्डर डिबेट के टॉपिक आप लोग भी प्रोवाइड कर सकते हो, हम लोग तो कर ही रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है कि जैसे मैं तुम्हारे स्ट्रीम पे चैट में स्पैम कर रहे थे लॉटे कि मेजी ने बोला है कि तीन टीमें जो विजय जीत सकती है उसमें से एक है एक्सो, दूसरी है गॉडलाइक, तीसरी है हैदराबाद एंड्रास। मेरे हिसाब से अब लोगों का ये कहना है कि एक्सपार्क उसमें क्यों नहीं है, उसमें मैंने एक्सपार्क को ऐड क्यों नहीं करा। Somewhat agree with Maisie. See, no hate. X-Pac is a very good team. Very good team. They might win as well. But chances in these teams are इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आप देखो, you know, X-Pac is there. X-Pac phenomenal team. Again, कोई hate नहीं जब हम बात करें। ये हमारे opinions होते हैं, हमारे read outs होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि मैं दो तीन चीज़ों के हिसाब से बोलूँ। पहला, X-Pac का ख़राब था अभी। Comeback करते हुए time लगा था, ठीक है? And then, Godel का analyst कौन होगा? And then, if we just talk about June का player precision, right? Gil, very good player, very good.